नमस्कार एमके क्लास को आपको स्वागत अच्छे आज आम आलोचना करने को जाऊे किए बोलू थाए ग प्रथम देखने कवि विषय कवि परिचय आम जरूरी अच्छे कवि होंगे गौरचरण अधिकारी तांकर जन्म होता 1814 मसीहा खोर्धा निकटस्थ लेहंगा नामक ग्राम रे ओडिया साहित्य को जी वैष्णव पदावली समृद्ध कर कवि गौरचरण अधिकारी अधिकांश भजन जनाण मनशिक्षा चौपदी तांकर ही तो रचना एवं आज ओडिशार जो पुरपल्ली रे जो संकीर्तन होची संकीर्तन रे जो श्रीकृष्ण एवं राधा उपरे आधारित होता जो भजन सबू गान करा जाउची तार अधारु अधिक गौरचरण अधिकारी लेखा गौरचरण अधिकारी जेतले वैष्णव धर्म ग्रहण करती बाकी जीवन को से पुरी रे कटे ओडिशा साहित्य को सी एक धारा नहीं जो धारा हूँ कौन भक्ति गीतिकार धारा जे भक्ति रस बाढ़ी से ही होंगे गौरचरण अधिकारी ये गौरचरण अधिकारी विषय आम तो जापारे पाने वर्तमान देखा किए बोलू थाए गए बोलू थाए गोपी माने अभिमानिनी गोपी माने कृष्ण अभिमान कर कृष्ण दीर्घ दिन अला तांको सानिध्यरु वंचित रखिछंती कृष्णकर सानिध्य गोपी माने पाई नहांती गोपी गोपी कहिले पिला माने आमे जानिछे समस्त इंद्रिय रे जे कृष्ण रस को पान करी थाए ताकू कहा जाए गोपी तले ए गोपी माने जेतेबेला आज कृष्ण को पाई नहांती अभिमान करुछंती तणु ए तांको के बोलू थाए गो ए होची एक छळक्ति छळक्ति कहिले कोन बुझिया पिला माने निंदा माध्यम रे जहार स्तुति करा जाए ऊपर ठाउरा सिना निंदा करुछंती भीतर कृष्ण प्रेम रे गदगद अच्छा तेणु अभिमानिनी राधा गोपी मान मिशी आज आलोचना होची कौन तांकु किए बोलू थाए गो निंदा करुछंती किए बा कहिबो कथा किए कौन कहिबो जे निजो मामू को मार देछि कथा बा कौन यही प्रकार सब निंदा होची पिलामने वर्तमान आम बही को जीवा बही कौन लेखाई देखा पिलामने पद को जीवा तांकु किए बोलू थाए गो परम दयालु हरि कहीं देखीअछ मामू को भणजा जीवने पकाए मारी तांकु किए बोलू थाए गो परम दयालु हरि कहीं देखीअछ मामू को भणजा जीवने पकाए मारी आम जानी कृष्ण तांकर निज मामू को बद्ध करथिले ए संसार रु दुराचारी अत्याचारी पापी मानू मारी संसार रे पुणी थे धर्म स्थापन करवा हूँ भगवान कर्तव्य तेणु भगवान आज जितेबले से निजर मामू होता कहीं निज आत्मीय प्रियजन को भी भगवान छाड़ी ना तेणु सी तर आज बद्ध करु या कपी मैने किसी अलग प्रकार रूप से देखी जिते बड़े अक्रूर रथ पठे कृष्ण बलराम जी कृष्ण बलराम को निमंत्रण होती धनुजात्राई कंसर एपटे चालाकी थिला कंस तांको चतुरतार सहित मारिबा उद्यम करथिला कृष्ण बलराम को किंतु कृष्ण होचते नाटकवा सब जानिछंती करी करौ थाए सीए तले ये कृष्ण जे कि सबू को जानी पारे सबु रस जहाँ पाखे रही षोल कला जी परिपूर्ण सी हेले कृष्ण तेणु ए संसार रु पापी को मारी धर्मर स्थापना करिछंती कंस भलिया दुराचारी मृत्यु होई यहाँ किंतु गोपी माने अलग उपाय देखुंट अलग दृष्टि देखी अभिमान स्वर से कहते अरे जी निज मामू को मारिदे पारा ये भाया कौन भणजा तुम्हें देखीच आकु तुम्हें कौच परम दयालु परम कहले पे श्रेष्ठ दयालु अर्थात जे दयावान हरि कहले भगवान स्वयं विष्णु कृष्ण ये हरि कहले कृष्ण को बुझा ताले कहीं देखीच क्यों देखीच जे मामू को भणजा मारिदा आमे ताको दयावान कहे तेणु आम प्रति कौन से दया रखिए आम भल पाइबा को कौन से खातिर थी तेणु से आमको अधा बाटर छाड़ी चले जाइंट ये गोपी मान मनर ये भावना तेणु राधा आज स्वस्वर से कहते ये भाया लोक मुझे देखे ना जे निज मामू को मारिदे पारि लेख पे द्वितीय पद को जी काकड़े पिको पालला पराए से भी थे गोप नारी बसंता थल को छाड़ पलाइले रही मथुरा पुरी ताले काको कोले पिको कितने सुंदर कथा कहला पे काको कहले पे काऊ
काहु कोळरे पिको पिको कहिले पिला माने कोइली कोइली कोण करे कोइली निज बसारे अंडा दिए ने आमे जानिछे कथा कोइली कोण करबो काहु बसारे अंडा दे देबो एवं काहु कोण करबो निज अंडा भाभी से छुआ को जत्न सहकारे बढ़ेबो जितले छुआटी बड़ हे जीवो कोइली छुआ काहु छुआ देखिया पे एका प्रकार रे तेणु काऊ जापे ना सेटा कहार छुआ तेणु सी ताप खाद्य संग्रह करे खाद्य ताकू दिए जिते छुआटी बड़ हो जाए निज बसा को सी उड़ी जाए एवं निजर सी नीड रचना करें निजर सी बसा रचना करें अलग बसार रोहे तेणु खाली पशिला काऊ पशिला किंतु से छुआटी तार हेलानी ठीक से भाया कृष्ण को आज गोपी मैंने कहते जो गोपी मैंने लालन प्रणन करते माता जशोदा लालन प्रणन करते गोपर नारी मैंने के भल पाऊ ना कृष्ण को क्या घर कृष्ण लवणी चोरी करुले तो क्या सहित थटा क्या सहित मजा क्या सहित राहस करुले तेणु ये कृष्ण सब बड़े कौन कर भक्तर मनोचर कर तेणु आज गोपी मैंने आज जिते कृष्ण को पाईपार से मनरे अभिमान आसी से कहते कौन कहते काकोले पिको पालिला पराए जेमिती काकोले काऊ जेमिती कोईली को पालन करिथाय तापरे परित्याग करे पशिला स्थल को थल कले पे स्थल पशिला जो पशिला स्थल को छाड़ी पलैले रहिले मथुरापुरी रहिले कौटे जाई मथुरापुरी जत कंस को बध कर कृष्ण गोपपुर चली जाते कही तीन दिन मात्र जी दिने ना दी दिन ना राजा को कथा दे आसी माँ जशोदा को कही माँ जशोदा कहते बाबू रे तो बिना मो सब अंधार तू न आसिले केमी मुझ बंची जीवन धारि तेणु माँ को कही माँ तुम्हें कहीं चिंता करुच मु मात्र तीन दिन जाऊँगी तीन दिन पर धनु यात्रा सरला पर मुझे फेरी आसबिनी राधा को कथा देते अरे राधा कहीं व्यस्त हो पूरा फेर भी जन्म जन्म पर मु तुम किंतु आउ से फेरिले ना कंस को बद्ध कलापर तर अजांग अग्रेसन को राजा करती मथुरा रुहति मथुरु द्वारिका चली जाते द्वारिकार नगर या द्वारिकाधीश होते से दिन गोपाल से कृष्ण द्वारिकाधीश पाल्टी गलापर आउ गोप को केवि भी फेरी ना ता वृंदावन मटी को सी आसी ना ता मथुरा नगर आवे से प्रत्यावर्तन करें तेणु से कहते जमी काऊ कोळरे कोइली लालन पालन हालापर जमी काऊ को परित्याग करे ठीक से ही भाया ये अभिमान स्वर बारंबार कहूँ मुझे पिला अभिमान स्वर रही छलक्ति रही तेणु निंदा करुंस काऊ बसारे कोइली रहिला भलिया गोपपुर रहिले एवं गोपनगर को छाड़ी मथुरा को फेरी मथुरा को प्रत्यावर्तन कर मथुरा के भी फेरी आसी ना किए हूँ से होती कृष्ण ये अभिमान स्वर गोपी मैंने बारंबार बाढ़ी कहापाई ना कृष्ण ताल देख पाने नेक्स्ट पद कौन रही बिभा लभे शिशुपाल बीर आसी बर बेश धरी चंडीपुर भंडी कन्या घेनी गले लाजरे से गला फेरी तेल ये गोटे कहानी रहा पे आम जानचे विदर्भ एक राज्य से राज्यर राजा थे भीष्मक भीष्मकर भारी सुंदरी जड़े पुत्री थिला पुत्री नाँ हूँ रुक्मणी भीष्मकर जो पुत्र थिला पुत्रर नाँ हूँ रुक्मण एवं पुत्री होती रुक्मणी रुक्मणी जिकि पिलाटी दिन कृष्ण प्रेम मतवाला थे कृष्ण को से केवे देखी ना कि कृष्ण कथा से राजदरबार को आसुवा जो व्यक्ति मैंने समस्ते सतमुखर ही कृष्ण प्रशंसा करती तेणु से कृष्ण मूर्ति को हृदय स्थापन दे हृदय जगह देते कृष्ण को एवं कृष्ण प्रेम से मतुवाला थे किंतु एपटे कौन भीष्मक रुक्मणी बाहागर ठीक करने कहते रुक्मण को रुक्मण किए ता पुत्र रुक्मण तर प्रिय बंधु जे कि छेदी राजकुमार थे शिशुपाल शिशुपाल सहित बह ठीक कर दे ये खबरटे जो रुक्मणी को पाखक आसी रुक्मणी मर्माहत होती कांदी उठी रुक्मणी एवं कांदी कांदी पत्र टे चिठी टे लिखिदेट कृष्ण को उद्देश्य कहते हे प्राण प्रिय सखा मु तुमको मो जीवन साथी रूप भावि नहीं तुमको पाइबी नहीं तेल मो प्राण त्याग करी ये सन्देश लिखी ये बार्ताटी को लिखि निजर दासी हस्त पठाई देखते द्वारिकाधीश पाखक श्रीकृष्ण पाखक कृष्ण जो बार्ता पाती ये खबर पाती रुक्मणी कथा प्रेम भगवान तो सब जानती ना भगवान कृष्ण जानते रुक्मणी मनर कथा तेणु से रुक्मणी को
विवाह करिया से आसी जेतेबेले कौन है ना बर बेश धरिक जो दिन बाहागर तिथि जो दिन बाहागर हम बर आसी शिशुपाल बर बेश धरी बाजा बाजुव रोशनी होतव केते कौन होतव एबे सिना डीजे होचे सेतेबेले कौन कौन ना होतव चिंता कल भाई राजागर बाहागर राजधरे बाहागर तेणु निश्चित भाव में साजसज्जार आलोक माला सदास होता बेले अर्जुन को साथी धरी कृष्ण एवं कहते अर्जुन चल गोटे इंपोर्टेंट काम अच्छे ना कौन काम सखा कौन कहना आप कौन काम ना बहुत बड़ काम अच्छे मुझको साहबी ताप्रति तुम्हें मत सा कर कृष्ण अर्जुन बाहागर को साजे सुभद्रा और अर्जुन बाहागर कृष्ण कई तेणु ये कृष्ण कहले भगवान कहते भगवान को पाखे जहाँ देव पे पाइब तेणु रिटर्न अच्छे भगवान पाखे तेणु कृष्ण कहले चल ए तुम रिटर्न कर टाइम आसगला अर्जुन चल मो सहित ना अर्जुन को कौन कले ना शाढ़ी पिंधेदे झीओ बेश करदे पठाईदे विदर्भ राज्य को एवं द्वारी माने जड़े नारी रूप से देखिले से कहले ऋषि अमृत भाण्ड नहीं आसी अमृत नहीं आसी जोटा कि जो कन्यार विवाह हो ताप ऋषि पठाई तेणु द्वारी माने छाड़ी रुक्मण सहित बाटर देखा रुक्मण जड़े नारीटा गोटे अबलाटा कौन बा करे राजकुमारी कक्ष को पठाई राजकुमारी कक्ष को जिते जाती अर्जुन सब वृत्तांत कहते कहते कौन ना से चंडी मंदिर अर्थात दुर्गा मंदिर रे कृष्ण अपेक्षा करता पठाई आपण मो सहित चलतु कृष्ण रही से आपणकर बाहागर रुक्मणी खुशी कहले सीमा नसरे रुक्मणी बाहरी अर्जुन सहित से रुक्मण सहित युद्ध हो प्रखर युद्ध हो एवं रुक्मणी एवं कृष्णंकर बाहागर हला चंडी मंदिर रे तेणुकर ये राधा बा गोपी माने अभिमान स्वर कहते अरे बाहाबापी जड़े आसीला तुम्हें कौन कल भंडी नहीं गल कन्या को कि कथा यहाँ कौन जुक्तिसंगत बाहाईता किए किए आसी बर बेश तुम्हें नहीं गल तेणु ये कौन कहले बहा लोभे बहा लोभरे अर्थात बहा आशा शिशुपाल वीर वीर शिशुपाल जी छेद राजकुमार थिला महान वीर थिला सी मध्य आसी बर बेश धरी सुसज्जित हो बर बेश होकर आसीला किए आसी ना शिशुपाल चंडीपुर चंडीपुर अर्थात दुर्गा मंदिर देवी दुर्गा मंदिर चंडी मंदिर भंडी नहीं गल भंडी मान कौन पे ठके नहीं गल भंडी नहीं गल कन्या घेनी गले लाजरे से गला फेरी कन्या को तुम्हें घेनी नहीं गल बाहागर होता कन्या नहीं मैंने चंपट लाजरे से गला फेरी तेणुक एबि जार बाहागर हो न पारे बाहागर भांगी जाए कौन शिशुपाल हो गलु रे बाबू कहूँ आम ना तेणु सी शिशुपाल संपर्क कृष्ण को सी पिउसी पु भाई भाईर भाईटी बाहर था कृष्ण ता सही पारे बोली किए कहते गोपी मैंने कहते कहले ये कृष्ण तुम्हें हो नाटकुआ तुम्हें खाली भंडुछ तुम्हें ठकौ तुम्हें ठकी नहीं गल कन्या को तेणु ये कौन हो पाने भगवान समस्त मन आशा को पूर्ण करती ये देख निंदा करोपी मैंने निंदा छल होती प्रशंसा हो कौन प्रशंसा भगवान ताहार रुक्मणीर मन कथा को रक्षा करना प्राण त्यागर बचाई क्या ना रुक्मणी को तेणु ये कि भल होता बेले अभिमान अलग दृष्टि दि जाइए गोपी मान द्वारा तेल देख पे नेक्स्ट जीवा कौन रही देख बहुत बढ़िया कथा राम अभिराम रूप देखी कम लोभे सूर्पनरेखा नारी आसी आशा करी ताहा नासा काटी कले हत सिरी ताल देख कहले कौन राम अभिराम रूप देखी काम लोभे सूर्पनरेखा नारी आसी आशा करी ताहा नासा काटी कले हत सिरी ये जो किए बोलू थ पाने जो प्रत्येक पदरे गोटे गोटे कहानी तेणु रामायण ये गोटे कहानी रहा राम एवं अभिराम राम कहले पे राम प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादावान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र अभिराम कहले पे होती बलराम जी कि शेष नागर अवतार बलराम यहाँ रूप से आकृष्ट हो जिते सुपर्णरेखा आकाशमान उड़ियावान थिला जितेबले से नजर पड़ जाए ऋषि कुमार ये दुईज ऋषि किए अच्छा तपस्वी बेस अच्छा जो वीर चिंता करी एति सुंदर रूप रूप लावण्य मुग्ध हो बाहाबापी कामना जर्जरित होती कामना जिते बुँची से
पळे आसी रामक निकट रामक निकट आसी निवेदन करी जे कण प्रेम निवेदन करी कहि कण मु आपन को विवाह करबी भगवान सब जानी पारंती तणु भगवान कहले अरे मते काही विवाह करबो ना आपन देखिए बहुत सुंदर अरे मु कण सुंदर मोटो सुंदर मो सान भाई अछि ना आपन को सान भाई कण मते विवाह करबो ना हबो तुम्हें जाई ताक पाखरे अनुरोध कले हुए तो हो पाए कहीं मुझे एक पत्नी व्रती मोर गोटे पत्नी ही धारण करी गोटे पत्नी ही धरवि ताठ अधिक ना कहीं मो व्रती अटे तेणुक मर्यादा बान पुरुषोत्तम बोली कहता लक्ष्मण पाखक आम मन रखिता पे बाबू नाक सरी दान यज्ञ जैसा को विहर कानन कर आलिंगन को अलंकार पढ़ेला बेले मुझे बहुत सुंदर भाव में तुमको कही तुम मैंने भिड अच्छे देखीद पार्ताल देख पे लक्ष्मण पाखक से जो जाती लक्ष्मण कौन करती रामंकर दोषी चिठी पढ़ला पर लक्ष्मण बुझंती यार नाक आ कान काटिबा यज्ञ तेणु स्वरमुणारु स्वरटे काढ़ी एवं सुरपणकार नाक कान को काटिदे जहाँफल नारी सुंदरता तार नाक थाए जार नाकटी सुंदर से नारी को आम सुंदर बोली कही था सुंदरी नारीटे आ ना चेपी नाकी ही जीवन सी शुणी तेणु सुरपर्णकार नाकटे ही काटिदा असुंदरी कर दिगला तेणु ये गोपी मैंने कौन कौन सी तो बाहा हाबाई तुम्हें तो बाहाई पारी था ना ना बोली कही नाक कान काटार तुम कौन दरकार अभिमान स्वर से कौन कि सुरपर्णेखा मन भितर अहंकार नहीं आसी भारी सुंदरी देखा दूसरी तेणुक जो पुरुष हेले भी मो प्रेम पगल हो जापे तेणु जो मैंने निजर रूप लावण्य को नहीं गर्व करती अहंकार करती दिने ना दिने नाक छेदन होवाटा स्वाभाविक कथा तेणु नारी मैंने से ही दिन पाखर प्रथम नारी मैंने के प्रेम निवेदन आगे करती ना नाक कटि जाए बेले बेले तेणु देख कौन पे राम अभिराम रूप देखी कम लभे सुपर्णेखा नारी आसी आशा करी ता नासा नासा कहले पे नाक काटी कले हतश्री बुझे पे राम कहले आम रामचंद्र को बुझलु अभिराम कहले बलराम सरी लक्ष्मण को बुझलु रूप देखि काम लोभे काम कहले कामनापाई कामला लोभरे सुपर्णेखा आसी जी कि रावण भौणी राक्षसी सुंदरी नारी माया बल सुंदरी आसी तेणु तार माया ये सबुदिन चली जाए कांदी कांदी फेरी जाए सी तेणुक आसी आशा कर आसी नासा कहले नाक काटी कले हत्यशरी ताली नाक कान काटी तुम्हें हतशरी करदेल यहीटा तुम कम तेणुक ये देख पे भगवान जहाँ करती प्राणी मंगल करती एक आम जाचु तेणु भगवान आज मंगल साधन करपर्णेखा भाया जड़े दुराचारी नारी प्रति ये ठीक थी कर्तव्य किंतु ये राधा एवं गोपी मान मनरे सी अलग भाव को आसी छलना भाव को आसी छलक्ति भाव को सी बाढ़ी निंदा करणंर निंदा छल प्रशंसा होना नहीं पिला मैंने ये देख भल कर लक्ष्य कर निंदा छल प्रशंसा होणु भक्तर भाव को भगवान बुझी था जेहेतु राधा बा गोपी मान भाव को आज भगवान बुझी जे जिते मत तुम गाड़ी देले कौन हे तुम्हें परा मत भल पाओ तुम मत छाड़ी केपर कि केपरुन ए राधा तो सदा सर्वदा मोर मु जाणी तुम हृदय मो बास सब रही तेणु तुम्हें मत के पर करना जिते गाड़ी देले भी मु तुमर आ तुम्हें हौ मोर ये हूँ कृष्णंकर उक्ति आगामी एक वीडियो रे पिलामने आमे यार अंश को देखिबा धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ आम वीडियो देखुतांतु आ